मीडिया हिसाब से हमारी चर्चा होगी। आज के समाचार पत्रों मीडिया में ज्वलंत मुद्दा है कि सरकार एक मंत्री के परिवार के लोगों ने आतंक बचा दिया और बेटा फ्री घूम रहा है। मंत्री जी थाने में आए, उन्होंने चार पुलिस वालों को सस्पेंड किया। मीडिया के हिसाब से हमें पता चला, सुबह मुझसे संपर्क किया गया विवेक ने कि भैया मेरे साथ ये पत्रकार हैं, मीडिया जगत के व्यक्ति, इन्होंने कहा मेरे साथ अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, मेरी एफआईआर नहीं लगी। मैंने इनसे कहा कि आप पुलिस में चले जाए, फोन पे जो बात करी उसमें, इन्होंने कहा मैंने सब प्रयास कर लिया तो भी नहीं लिखे। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत बोला, सही कह रहा हूँ, खुद पहुंचा था और टीआई साहब से बोला। तीन पक्ष है, शुरुआत मुझसे हुई थी, फिर जिन्होंने मुझे बचाया उनके सिर में आग टाके आए हैं। जो आरोपी है मंत्री के पुत्र, उनके ऊपर एफआईआर हुई है लेकिन 307 नहीं लगी। थाने में बैठ के पुलिसकर्मियों को मेरे सामने धमकाया और यहीं से गए वापस और बाहर भी धमका रहे हैं। इस पे महिला उत्पीड़न का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा हुआ है। ये बहन के अलग से जो अपनी आपराधिक कारण सूचना के अंतर्गत थाने में एफआईआर होनी थी वो अलग से नहीं हुई, इसका भी हमने एसएसपी से भी बोला। अब आप बताओ क्या हुआ, जरा आप बताओ। उन्होंने मुझ पर हमला करा, मुझे गिरफ्तार भी करी, मैं क्या हो जाता हूँ। इतने सारे वो लोग नशे में, लड़के लड़कियां गाड़ी में थे कि वो मैं बस अपनी जान बचा के भागी। उन्होंने हस्बैंड को पूरा जानलेवा हमला करा है, ना इन्होंने 307 लगाई है, ना कुछ एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ। और वो लोग आराम से सो रहे हैं और हम डरे हुए हैं बैठे। अभी भी डर लग रहा है आपको? अभी भी डर लग रहा है, पद का गलत फायदा उठा रहा है। वो मंत्री का बेटा है और वो बस थाने में भी हमको धमकी दे रहा है। अच्छा, हम देख लेंगे तुम्हारा रेस्टोरेंट देख लेंगे। थर्ड ये है तो उनका कहना ये है कि हमें अगर ये हालात ही रात को ये पूरी घटना ऐसे हिसाब से बात की, उन्होंने कहा हम पुलिस प्रोटेक्शन में इनको लेके आए, इनको कोई खतरा नहीं होने दी, इसका मतलब इनको फिर से सिक्योरिटी चाहिए। इनको अभी ये रेस्टोरेंट चलाएंगे फिर मारपीट होगी, कौन जिम्मेवार होगा? थर्ड ये मेन आदमी है जिनके सर में 7 टांके आए हैं, जो आप लोगों ने मीडिया ने भी बताया है। इसमें 307 बनती है पर 307 नहीं हुई, ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा। तो मैं मानता हूँ ये आपत्तिजनक है, इनको मेडिकल रिपोर्ट अवेलेबल करानी चाहिए, प्राइवेट कंप्लेन भी करना चाहिए। अव्वल ये घेरा है, लेकिन अब ये अपने आप में गवाह बोल रहा है। अभी मैं कांग्रेस पार्टी का निर्णय ये है या धर्म ये है कि मुख्यमंत्री जी आप गृहमंत्री, आपकी अराजकता मध्य प्रदेश की जज जाहिर होने लगी। अगर इस तरीके से आप गृह मंत्रालय चलाएंगे, आपका पूरा मध्य प्रदेश परिवार होना चाहिए। इस तरह के दुर्व्यवहार, पक्षपात, पुलिस को 4 लोगों को सस्पेंड किया गया अखबार के साथ, मतलब ये अन्याय की पराकाष्ठा है। इधर आतंक मचा है, उधर पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करेंगे? पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करना चाहिए? अगर पुलिस को भी सस्पेंड किया, कांग्रेस पार्टियां थाने के सामने धरना देगी? अगर पुलिस को सस्पेंड किया तो ये गलत तरीका है। अगर पुलिस का मनोबल घटा हुआ रहेगा, गिरा हुआ रहेगा, तो क्या संभव है कि आप कानून व्यवस्था सही रख सकते हैं? घोर आपत्ति है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले, मैं उनको आज इस पूरी घटना का पत्र लिख रहा हूं और इनके साथ न्याय की गुहार कर रहा हूं। ये इस तरह की अराजकता मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है, मैं मानता हूं इस पर अंकुश लगाना चाहिए। धन्यवाद।